मणिपुर में जो हुआ उससे दो बातें साफ हैं। एक के बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी के बारे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। भाई पहला तो ये कि जब मणिपुर जल रहा था तो सरकार ने इसके बारे में कुछ भी ठोस किया नहीं, लेकिन इस बारे में हम भी निशक्त हैं। और दूसरा ये कि जब आपके साथ कुछ गलत हो तो ये देख लीजिएगा कि इसका वीडियो ज़रूर बने और वायरल भी हो, नहीं तो पुलिस आपकी मदद नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस ज़्यादा सुनती है विधायक सांसद मंत्री की, आपके मेरे जैसों की कम। लेकिन वो लोग किस मुंह से पुलिस पे सेक्स क्राइम केसेस के लिए दबाव डालेंगे, क्योंकि कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसका कोई ना कोई सदस्य ऐसे किसी केस में संलिप्त ना हो। लेकिन इस समय माहौल गरमाया हुआ है, पक्ष विपक्ष और उसका मीडिया ऐसे ऐसे केसेस का कच्चा चिट्ठा खोल रहा है जिनका या तो वीडियो बना नहीं या वायरल नहीं हुआ। लेकिन कुछ समय में न्यूज साइकिल बदल जाएगी और सब बोल बाल के ठंडे हो जाएंगे। फिर कौन देख रहा है किसे सजा हुई, कौन सजा पाके भी पेरोल पे घूम रहा है, या कौन सजा पाके रिहा भी हो गया। तो ऐसा होने से पहले आइए आप और मैं भी मिलके थोड़ी राजनीति कर लेते हैं, क्योंकि फिलहाल ये एक प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र को बनाए रखने के लिए प्रजा को वोट देने के बाद भी राजनीति में भाग लेना होगा। और इसमें भी हम एक पत्थर से दो शिकार करेंगे। पहला तो देश को लड़कियों के लिए थोड़ा सा सुरक्षित बनाएंगे, और दूसरा देश की राजनीति को थोड़ा सा साफ करेंगे। और इसका सबसे सरल पहला छोटा कदम है अपने राज्य के मुख्यमंत्री साहब को एक ईमेल लिखना। मंत्री महोदय, आपके राज्य में अगर कोई अधिकारी कामचोर था तो वो हम झेल गए, अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया हम वो भी झेल गए, लेकिन दुराचार हम नहीं झेलेंगे। और अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी ऐसा खड़ा होता है जिसकी यौन हिंसा की हिस्ट्री रही है, तो हम आपकी पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं डालेंगे, फिर चाहे हमें निर्दलीय को वोट डालना पड़े या नोटा।